धोबी रोज उसे धोबी घाट ले जाता था कपड़ा लाद कर। एक दिन धोबी गधे को बांधने की रस्सी घर पर ही भूल गया। अब गधे को बांधे कैसे? तो एक संत जी निकले, बोले चिंता ना करो, गधे को झूठ मूठ का जहां रोज बांधते थे आज झूठ मूठ का बांधो। तो गधा वहीं खड़ा हो गया जहां रोज बांधता था। धोबी ने उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, पेड़ से लपेट दिया। अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि यह रस्सी भूल गया। गधा को जैसे रोज बांधता था आज भी बांधा, गधा को लगा मैं बांधा। अब गधा वहीं बैठे वहीं खड़ा होए, वहीं बैठे वहीं खड़ा होए, वहीं जब पूरे कपड़े धोबी ने धुल लिए और कपड़े का गट्ठा धोबी ने गधे के पीठ पर रखा और एक लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना, गधा एक कदम आगे नहीं बढ़ता। धोबी को लगा भैया महाराज महात्मा ने क्या जादू कर दिया। संत जी बोले क्या हुआ? बोले महाराज ये गधा चल ही नहीं रहा है। संत जी बोले उसे खोला कि नहीं? बोले बांधा ही नहीं था तो खोलूं क्या? संत जी ने कहा बांधा नहीं था पर बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय तो किया था। वो बंधा हुआ नहीं है पर उसने अपने आप को बंधा हुआ समझ लिया। उसके गले से झूठ मूठ का हाथ डाला और गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब बताओ आप, क्या गधा बंधा हुआ था? भैया मोबाइल हो गया पूरा, चला लो। चलो बताओ, क्या गधा बंधा हुआ था? आप बताओ, आप बताओ, क्या गधा बंधा था? नहीं, लेकिन वो अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। अब बताओ वो गधा कौन? आपने हाथ उठा के क्या बताया था? हम भी बंधे हैं जिम्मेदारियों से। कौन सी जिम्मेदारी? आज बुलावा आ जाए आपका तो आज जस की तस आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको। कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। बंधा हुआ तो कोई नहीं है लेकिन आप अपने आप को बंधा हुआ मान लेते हैं, समझ लेते हैं। रियलिटी तो यह है कि आप बंधे हुए नहीं है। ऐसे ही वसुदेव जी जेल में बंधे थे बंधनों से, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण को गोद में लिया और भगवान को लेकर चले, अपने आप वसुदेव जी हर बंधन से मुक्त हो गए। मैसेज आपके लिए है, जो भगवान को लेकर चलता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। आपके जीवन में बंधन तब तक है जब तक आप भगवान को लेकर नहीं चलते। आप किसको लेकर नहीं चलते? भगवान। यदि आप भगवान को लेकर चलें, हृदय में भगवान को धारण करके चलें, तो कोई बंधन नहीं है। बंधा हुआ वो है जो भगवान को भूल चुका है। जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं, भगवान तो उसे हर बंधन से मुक्त कर देंगे।